which is also, you can ask similar questions on this. It's right to education. What is your interpretation of right to education? Is it a right to learning and value addition in the person to make the person capable of doing excellent work so that the person can earn a reasonable livelihood? Or is it getting a certificate so that the person can get a job but does not know how to work? What do you think is the reason that students are not interested in learning but just getting a certificate? How will you ensure that instead of education being taken to the lowest common denominator, children are brought up to higher and higher levels of learning and merit? मराठीचं पण वास्ते कन्व्हेन्शन जरा जास्ती दिलंय. आपणास माहितच आहे की मुलांना शिक्षणाची गोडी लावावी लागते, ती उपजत असतेच असे नाही. त्यासाठी आई वडील, आजी आजोबा, शिक्षक, शिक्षण संस्था आणि समाज सर्वांना जागरूक राहून प्रयत्न करावे लागतात. पण सध्या दुःखद परिस्थिती अशी आहे की शिक्षणाकडे पैसा आणि प्रमाणपत्राचा खेळ या दृष्टीने पालक आणि शिक्षण संस्था बघतात. पोटा पाण्याचा धंदा या दृष्टीने शिक्षक बघतात. पोटा पाण्यासाठीची पुढील सोय या दृष्टीने विद्यार्थी बघतात. डोळस नसलेले सत्ताधारी शाळा कॉलेजात जाऊन विद्यार्थ्यांना नापास करायचे नाही अशी दादागिरी करतात. त्यामुळे अपात्र मनुष्यबळ बाहेर पडते ज्यांच्यात प्रोफेशनली काम करून नोकऱ्या टिकवण्याची क्षमताच निर्माण होत नाही, किंवा आपल्याला आपल्या प्रमाणपत्रा योग्य काम व पगार मिळत नाही अशी खंत निर्माण होते. आपल्या देशात सर्वांना शिक्षणाचा हक्क, राईट टू एज्युकेशन आहे. आपल्या मते याचा अर्थ काय? शिक्षणाच्या माध्यमातून गुणात्मक बदल होणं का शाळा कॉलेजात जाऊन काही गुणात्मक बदल होवो वा न होवो, प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट मिळून नोकरीसाठी पात्र असा शिक्का मिळणं? या परिस्थितीत गुणात्मक सुधारणा करण्यासाठी व मुलांमध्ये गुणात्मक बदल होऊन ते उत्तम व्यावसायिक व उत्तम नागरिक होण्यासाठी आपण कोणत्या आघाड्यांवर काम करावे? पूरा विस्तृत सवाल जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और उसकी उसका उत्तर भी बहुत स्पष्ट है. मैं बस इतना ही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है एजुकेशन फॉर ऑल, उसमें 11 मुद्दे हैं और वो 11 मुद्दे एजुकेशन किसी एक जाति, धर्म और भाषा के जो भेदभाव, उसके परे आदमी को, बच्चे को एक इंसान के रूप में उसको सोचने की आदत एजुकेशन से मिलनी चाहिए. मैं एक इंसान हूँ, ये पहले शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए. दूसरा, उसके अंदर एक आत्मविश्वास, जीवन संघर्ष में आगे चलने के लिए आत्मविश्वास शिक्षा से पैदा होना चाहिए. तीसरा, न सिर्फ मम्मी का, न सिर्फ रट लगाने की आदत लगे, बल्कि उसको जो भी समस्या सामने आएगी उसे एनालिटिकल तरीके से उस समस्या के बारे में सोचना, एनालिसिस करना और फिर उसके उत्तर की दिशा में बढ़ना. उत्तर की दिशा में बढ़ने के लिए इनोवेटिव आइडियाज की तरफ बढ़ने की एक एम्पावरमेंट या उस तरीके से आदत उसे लगे. और उसके हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ एक होता है, उस छिपे हुए स्किल को डेवलप करने की एक प्रोसेस शिक्षा से हो जाए. मैं फिर से संक्षेप में दूंगा, एक इंसान के रूप में खुद को सोचने की आदत, जीवन संघर्ष में जाने के लिए आत्मविश्वास मिले, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो, इनोवेटिव आइडियाज डेवलप हो और जो छिपे हुए स्किल्स है वो कौशल वृद्धि हो, ये पूरा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए. इसमें ये मैंने क्वालिटी की बात कही है, लेकिन भारतीय समाज में क्वांटिटी की बात भी उतनी ही जरूरी है कि शिक्षा पहले मिले. भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्वांटिटी या क्वालिटी, इस तरीके का विवाद सालों से हुआ है. आम आदमी पार्टी मानती है कि क्वांटिटी की भी जरूरत है, मतलब शिक्षा पहले मिले, उसकी व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और उसके बाद जो शिक्षा मिलनी है उसमें भी क्वालिटेटिवली इस तरीके की बात होनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि जो सवाल पूछा है उससे 100% जुड़ने वाली बात है.